हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं जो कि है बम्बई एंड ऊटी रेस, जो कि डबल रेस है। एंड फर्स्ट रेस जो कि एक ऊटी रेस जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बट बम्बई इवनिंग रेस है। एंड टोटल ऊटी का रेस कार्ड है 6 रेस का कार्ड है एंड बम्बई का 7 रेस का कार्ड है। एंड बहुत देखे जाए तो ऊटी का न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो बोल सकते हैं अपसेट्स का चांसेस बहुत हो सकता है बहुत रेस में। इसलिए पूरी रेस मत कीजिए, दोनों में आपको जो भी बेस्ट लगे वही रेस कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बम्बई की रेस की, द आर्क टोरस मिलियन क्लास 5 1600 मीटर। सो बम्बई का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ फोर फोर नंबर हॉर्स। ओके, डैट इज़ अ फोर नंबर हॉर्स लाइट ऑफ लाइफ, जो कि है किरण नायडू। लास्ट टू रन बहुत सही है, घोड़े का थर्ड थर्ड हो चुका है। लास्ट टाइम बहुत ही लो वेट था 50, बट अभी 59.5 है। एंड यहाँ पे देखे जाए तो क्लास 4 में थर्ड हो चुका है, अभी क्लास 5 में आ रहा है, तो क्लास डाउन होके आ रहा है, इसका एक बेनिफिट हो सकता है। लास्ट टाइम अच्छा ही राइडर था, बट अभी किरण नायडू को बिठाए, वेल इतना खास तो नहीं बट ठीक ठाक राइडर है। और ऑफकोर्स एज अ फ्रंट रनर है घोड़ा लाइट ऑफ लाइफ, इतना खास तो फिट तो नहीं देखा है बहुत पहले, जैसे कि डेकागॉन को ही भाग चुका है फोर्थ। आई होप अभी थोड़ा फॉर्म दिखा रहा है, थर्ड थर्ड हो रहा है, बोर्ड पे आ रहा है, तो वही फॉर्म रहेगा तो बोर्ड पे तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, बम्बई का फर्स्ट रेस का। हमारे जो सेकंड चॉइस होगा डैट इज़ अ वन नंबर हॉर्स गैलोपिंग ग्लोरी, जो कि है पी ट्रैवर। ओके, लास्ट टाइम एज अ विनर है, वो भी अच्छे भाव में 4.5 के भाव में विनर है 2000 मीटर में। ओके, लास्ट टाइम वेट था 57.5, अभी 61.5, तो वेट कैरी करके जा रहा है। लास्ट टाइम भवानी सिंह था और लास्ट टाइम स्टडी बढ़िया लिया था, बट अभी सबसे बड़ी बड़ा पॉइंट है ये देखिए, जॉकी बेटर बिठा है, जो कि पी ड्राइवर को बिठा है। एंड ऑफकोर्स लिया द लाइन एक अच्छा घोड़ा, ये फील्ड के हिसाब से उसको बार चुका है, एल्पाइन स्टार को भाग चुका है, तो एक बोल सकते अच्छा ही घोड़ा है गैलपिंग ग्लोरी। तो जस्ट अभी थोड़ा वेट कैरी करके जा रहा, पर प्लस पॉइंट यहाँ पे ड्राइवर को बिठाए, तो फिर भी ओपन रेस कार्ड है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट रेस पे 1 और 4 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी मुंबई का सेकंड रेस का, द ब्लू हॉरिजॉन मिलियन क्लास 4 2000 मीटर। सो मुंबई का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ वन नंबर हॉर्स मल्टीवर्स, जो कि है संदेश। ओके, एंड देखे जाए तो एक क्लास 4 की रेस है, और मल्टीवर्स जो कि लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है, अभी क्लास 3 में, वो भी 7 to 4 ऑड्स में इंटरफेयर होने के बावजूद भी थर्ड हो चुका है। ओके, एंड ऑफकोर्स थोड़ा वेट कैरी करके जाएंगे 60.5 नीरज रावल है, और लास्ट टाइम अभी मतलब स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी देखे जाए तो एक बेटर राइडर को बिठा है जो कि ये संदेश, पर बहुत टाइम के बाद आ रहे। आई होप अभी मतलब इतना कुछ गड़बड़ ना करे, वैसे तो मुझे लगता है इतना जल्दी से इसको जॉकी को विनिंग तो नहीं देंगे, बट घोड़ा तो अच्छा है मल्टीवर्स। आई होप अगर ग्रीन सिग्नल रहेगा संदेश के लिए तो इजीली बोर्ड पे ला सकते। वैसे तो यहाँ पे जायंट किंग बोल सकता हूँ, एक जो कि सेकंड भाग चुका है। ओके, उससे पहले इतना तो खास नहीं करीना बोल सकते, तो अच्छा ही घोड़ा है मल्टीवर्स, वही डिस्टेंस का है, पर जॉकी बहुत टाइम के बाद आ रहा है बैन होने के बाद, अगर ग्रीन सिग्नल रहेगा तो ज़रूर बोर्ड पे ला सकते हैं। तो बात करते हैं अब उसी रेस का सेकंड रेस का, जो हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डैट विल बी अ 5 नंबर हॉर्स स्टनिंग विजुअल, जॉकी है के नाजिल। ओके, लास्ट टू रन देखे जाए तो बहुत सही है इसका, फोर्थ सेकेंड हो चुका है, वो भी लास्ट टाइम देखिए 3.5 के भाव सेकेंड हो चुका है। वेट ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब लास्ट टाइम वेट 55 था, अभी 54 है, उसका एक बेनिफिट एक लो वेट कैरी करके जा रहा है। नाजिल के हाथ अभी चलते आ रहा है अभी तक से, और प्रॉब्लम तो स्टार्ट लेने में है, और देखिए जाए वो फिर से वही राइडर को पीटा है। और सबसे बड़े प्लस पर देखे जाए तो रिकोचेट एक बहुत सही घोड़ा है, फॉब है घोड़े में, उसको सेकेंड हो चुका है, तो बोल सकते हैं शरी विजुअल भी एक फॉब घोड़ा बोल सकते हैं। विंटर एजेंट डाकू करी डाकू भाग चुका है, तो एक बेटर फील्ड भी देखा है स्टरिंग विजुअल। आई होप अभी एक सही डिस्टेंस है और ज़रूर बोर्ड पे आना चाहिए मेरे सबसे। तो फिर भी सेकंड रेस में मेरे सबसे 1 और 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका आप प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी
मुंबई का थर्ड रेस का द स्टार फॉर्च्यून मिलियन क्लास 3 1600 मीटर। मुंबई का थर्ड रेस का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज अ सेवन नंबर हॉर्स साइगॉन जॉकी है विवेक जी। ओके जस्ट इसका लास्ट रन बहुत सही है, मतलब सेकेंड हो चुका है और हैंगिंग आउट होने के बावजूद भी वो भी सैन लीगर में, मतलब बहुत हाई टाइट फील्ड में भाग चुका है, उससे पहले डर्बी भी भाग चुका है। घोड़ा अच्छा है, बस यहाँ पे मैड्रास में भागा है, बैंगलोर में भी भाग चुका है, तो अभी एक लो वेट कैरी करके जा रहा है। आई होप अभी बॉम्बे का ट्रैक सूट होना चाहिए मेरे हिसाब से साइगन को। चावन अच्छा ही राइडर था, अभी विवेक जी को बिठा है और लास्ट ऑफ स्टार्ट भी बढ़िया लिया था। ऑफकोर्स लारिना एक बहुत सही घोड़ा है, उसको सेकेंड हो चुका है। जमारी को ही डर्बी में भाग चुका है, टच ऑफ ग्रे एनएरएल को मार चुका है, टच ऑफ ग्रे को पांचवा, तो अच्छा ही घोड़ा है साइगॉन। आई होप अभी मुंबई का ट्रैक सूट हो, राइडर भी अच्छा है, तो देखे जाए तो ओपनिंग कार्ड है, बट एक मुझे पसंद है साइगॉन, आना चाहिए बोर्ड पे। तो बात करते हैं उसी रेस का थर्ड रेस का जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा, डेट विल बी अ फाइव नंबर हॉर्स ओपस डे जॉकी है सी एस जोधा। ओके लास्ट टाइम ये सेकेंड हो चुका है एज अ फेवरेट रेके पिट चुका है बिकॉज ऑफ हैंगिंग आउट। लास्ट टाइम वेट था 54.5, अभी 54, मतलब सेम वेट ही कैरी करके जा रहा है। राइडर भी सेम है जो कि सी एस जोधा है, लास्ट टाइम स्टार्ट भी बढ़िया लिया था। अल्फाइन स्टार ये फील्ड के सबसे अच्छा है घोड़ा बोल सकता हूँ, उसको सेकेंड हो चुका है। दैट बबली बॉय को जो फॉर्म घोड़ा है उसको भाग चुका है, अल्फाइन स्टार को बहुत पहले सेकेंड भी हो चुका है, अर्जीडा उसको मार चुका है। वैसे इतना तो खास तो नहीं बट लास्ट रन उसका बहुत सही है, तो एक जो गलती था हैगिंग आउट हो रहा था, अगर सही हैंडल किए चाहेगा तो ओपस डी इजली बोर्ड पे आना चाहिए। फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे ओपन ही कार्ड है मेरे हिसाब से, तो थर्ड रेस में भी आप फाइव और सेवन में जो भी आपको बेस्ट लगे उसका प्लेस ही गाइड चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम मुंबई का फोर्थ रेस का, तो आर डब्ल्यू आई टी सी लिमिटेड मल्टी मिलियन फॉर मेडन इंडियन हॉर्सेस 3 इयर्स ओल्ड ओनली 1000 मीटर। सो मुंबई का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ टू नंबर हॉर्स सेलेस्टियल जॉकी है पी एस चौहान। फर्स्ट डेब्यूट में सेकेंड हो चुका है। ओके लास्ट वेट था 56, अभी सेम वेट कैरी करके जा रहे हैं, सेम राइडर है, स्टार्ट भी ठीक ठाक लिया था। ऑफकोर्स फास्ट अप्रोच एक बेस्ट घोड़ा है, उसको सेकेंड हो चुका है। आई थिंक इधर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ईजी पड़ना चाहिए सेलेस्टियल को, बट बच्चों की रेस है। तो फोर्थ रेस का जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ फोर नंबर हॉर्स टर्न एट बर्थ जॉकी एरस परमार। इसका भी फर्स्ट डेब्यूटेंट हो चुका है, वो भी फोर्थ हो चुका है, एंड ये भी लास्ट टाइम हैगिंग आउट होने के बावजूद फोर्थ हो चुका है, तो अच्छा ही घोड़ा है, रेट तो सेम कैरी करके जा रहा, सेम राइडर है। ओके यहाँ पे देखिए स्टार्ट बहुत ही खराब लिया था बिकॉज ऑफ हैगिंग आउट, और फास्ट अप्रोच को ही चौथा हो चुका है। आई थिंक रेस तो इन दोनों में होना चाहिए, बट यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों की रेस है। फिर भी मेरे हिसाब से फोर्थ रेस में टू और फोर में आपको जो है बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग आई चांस लीजिए। तो बात करते हैं अब मुंबई का फिफ्थ रेस का, द ग्रोबर मिलियन क्लास 2 1400 मीटर। सो मुंबई का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज द 8 नंबर हॉर्स एल्फिनोर जॉकी है अक्षय कुमार। ओके लास्ट रोज देख जाए तो ऐसा फेवरेट पिट चुका है, बट सेकेंड हो चुका है, वेट बहुत ही था 60.5, अभी 54.5 है, तो एक लो वेट कैरी करके जा रहा है। वैसे बैंगलोर का घोड़ा है और मुंबई में आने के बाद थोड़ा परफॉर्म दिया, बट एज ए फेवरेट पिट चुका है, एंड सेम राइडर है जो कि अक्षय कुमार को बिठाए, सेम राइड कर रहे हैं, वही राइडर है अब फिर से, और यहाँ पे स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम है इसको। देखिए तो लास्ट अभी तक खास तो फील्ड है था, बट पिटवा चुके हैं घोड़े को, बट यहाँ पे देखिए जबारी को भाग चुका है डर्बी में, देन डॉटी चार्मर फास्ट पेस एक अच्छा है जबारी, रॉयल मैसूर बेटर फील्ड देख के तो आया, बट ऐसे मुंबई में आने के बाद फेवरेट बन गया तो इसको पिटवा दिए, पता क्यों नहीं, आई थिंक इसी मोमेंट के लिए शायद रुका हुआ है एल्फिनोर। तो बात करते हैं अब उसी रेस का फिफ्थ रेस का जो हमारे जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ लेवल नंबर हॉर्स रेमिनिसेंस जॉकी है विवेक जी। ओके लास्ट इसका मतलब यहाँ पे देखिए रन्स देखिए तो फॉर्म है, दो बार विनर है, एक बार फोर्थ और थर्ड हो चुका है, और हमेशा फेवरेट बनते आ रहा घोड़ा, और लास्ट वेट था 52.5 और 53 है, तो आई थिंक ठीक ही है वेट, सेम ही राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड न्यू डायमेंशन जो कि इतना खास तो फिर नहीं था लास्ट टाइम, बट थर्ड हो चुका है वहाँ पे, पता नहीं क्यों, आई थिंक इसी मोमेंट क्योंकि ओपन कार्ड है,
थोड़ा मतलब यहाँ पे ज़रूर सब ट्राई पे रहेंगे, तो एक अच्छा रेस है ये। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक बहुत पहले मार चुका है, तो फॉबे घोड़े पे बोर्ड थोड़े छोड़ रहा है घोड़ा, तो मेरे हिसाब से बोर्ड पे तो आ रहा चाहिए, तो इसलिए फिर भी ओपन कार्ड है मेरे हिसाब से। तो फिफ्थ रेस में 8 और 11 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप प्लेसी गाई चार्ज लीजिए। तो बात करते हैं अब मुंबई का सिक्स्थ रेस का, द जावेरीज एस पुडा वाला स्प्रिंटर्स चैलेंज फॉर इंडियन हॉर्सेस 4 ईयर्स ओल्ड एंड ओवर 1200 मीटर। सो मुंबई का सिक्स्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट विल बी अ 1 नंबर हॉर्स टाइम एंड चाइल्ड जॉकी है PS चौहान। ऑफकोर्स इसका रन देखे जाए तो बहुत ही सही है, 4 बार विनर है, उसका थर्ड हो चुका है, वापस 2 टाइम विनर है कलकत्ता में, वैसे पूरे में भी विनर है, तो ऑफकोर्स बम्बई में इजी तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम वेट था 58, अभी 59 है ओके वेट, और लास्ट टाइम सेम राइडर था जो कि है चौहान, PS चौहान एक्सप्रेस जॉकी, एंड स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट बढ़िया लेता है, ऑफकोर्स अच्छे अच्छे फील्ड में ही जाके जैसे बैजिलेटो लास्ट टाइम कूल राइडर ओके अच्छे फील्ड देख के आए, और परसेंट टॉप घोड़ा बोल सकते हैं टाइम एंड टाइड, तो इजी पढ़ना चाहिए मेरे सबसे। तो अगर सही रहेगा तो विन भी हो सकता है, बट रेस से कुछ कह नहीं सकते, इन लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं उसी रेस का, सिक्स्थ रेस का जो हमारे जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 2 नंबर हॉर्स बैजिलेटो जो कि AP ट्रेवर ओके, और इसका भी रस देखिए तो हमेशा बोर्ड पे सही है, फॉर्म में घोड़े में लास्ट टाइम सेकंड हो चुका है, वो भी 4 के भाव में, वेट लास्ट टाइम इतना 59 अभी 56.5 है, तो एक लो वेट का कैरी का एक बेनिफिट है। लास्ट टाइम टॉप जॉकी था जो कि सूरज नरेडू, बट अभी एक बेटर राइडर है जो कि पी ड्राइवर को बिठाया है, और स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफकोर्स टाइम एंड टाइड जैसे घोड़े को ही सेकंड जो कि टाइम एंड टाइड इसी रेस में भाग रहा है उसको सेकंड हो चुका है, पर देखिए डेमोक्रेसी को भी मार चुका है उससे पहले, इतना तो कास्ट तो फिर बोल सकते हो, पर लास्ट 2 रन बहुत सही है घोड़े का बैजुलेटो का, आई थिंक बोर्ड पे तो आना चाहिए, तो इसलिए ओपन रेस है क्योंकि यहाँ पे और एक घोड़ा जो कि मुझे पसंद है डेट इज़ अ सीच कोरिजियस, बट ओपन कार्ड इसलिए मैंने यहाँ पे दो ही चॉइस चुना हूँ, तो इसलिए 6th रेस से 1 और 2 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस लीजिए। तो बात करते हैं अब मुंबई का 7th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द बे ऑफ एंजल्स मिलियन Class 3 1200 मीटर। सो मुंबई का 7th रेस का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ 1 नंबर हॉर्स बबली बॉय जो कि है यश नरेडू ओके, ऑफकोर्स इसका रन देखे तो हमेशा बोर्ड पे, लास्ट टाइम एज अ फेवरेट रह के विन हो चुका है वो भी 2.25 लेंथ से, वेट था लास्ट टाइम 56 अभी 60 है, ऑफकोर्स थोड़ा वेट कैरी करके जाएगा। यश नरेडू वही राइडर है ओके, सेम राइडर देखे यहाँ पे वही राइड कर रहे, और फिर लास्ट टाइम स्टार्ट अच्छा लिया था फ्रंट रनर, वैसे तो इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है घोड़े ने, बट एक फॉर्म है यहाँ पे जस्ट एक बोल सकते हो लाजोरस एक अच्छा है, एल्फाइन स्टार ये तो घोड़े को भाग चुका है बहुत पहले, और सीरेनो एक ठीक ठाक है, तो एक फॉर्म है पब्लिक बॉय में, आई थिंक इजिली वापस फेवरेट बनना चाहिए, तो देखेंगे। तो उसी रेस का बात करते हैं अब, उसी रेस का जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 2 नंबर और 44 पोर्टोफिनो बे जॉकी पी ट्रेवर ओके, जस्ट यहाँ पे लास्ट 2 रन बहुत सही है, और लास्ट टाइम देखिए स्टम्बल होने के बावजूद ये घोड़ा सेकेंड हो चुका है, वैसा डेक से पिट गया, बट लास्ट टाइम वेट था 56 अभी 55 है, तो एक लो वेट कैरी करके जा रहा है, और लास्ट टाइम ड्राइवर था और फिर से वही राइडर है, और देखे जाए तो लास्ट टाइम स्टार्ट अच्छा लेता है घोड़ा, यहाँ पे स्टार्ट अच्छा लिया था पर लास्ट टाइम स्टम्बल होने के बाद इसलिए पीछे रह गया था, और उसके बावजूद सेकेंड हो चुका है वो भी डेक से, तो बोल सकते हैं एक स्पीड घोड़ा है इसमें, और इतना खास तो फील्ड है, प्लस सुप्रीम पोस एक अच्छा घोड़ा बोल सकता हूँ, फाइटर एक ठीक ठाक है रिबेलियंस, तो आई थिंक रेस तो इन दोनों में होना चाहिए, तो इसलिए 7th रेस में 1 और 2 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा मुंबई का टोटल 7 रेस का टिप्स एंड सेलेक्शंस। तो अभी आप बात करते हैं अब उसी दिन का जो कि ऊटी रेस है ओके ओके, तो हम बात करते हैं हम उसी दिन का जो दूसरा रेस है जो कि है ऊटी रेस, एक्चुअली ये पहला रेस है जो कि 11 बजे शुरू होगा, तो यहाँ पे जस्ट मैं टिक मार करके दूंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ऊटी का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट रेस का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है ऊटी का डेट इज़ 8 नंबर हॉर्स डॉटी पावर जॉकी पी अजीत कुमार, और सेकेंड चॉइस है 9 नंबर हॉर्स 3 ऑफ अ काइंड जॉकी जी मणिकंदन। तो ऊटी का हमारा जो सेकेंड रेस का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ 1 नंबर हॉर्स नॉटी वन जॉकी पी अजीत कुमार,
और हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट इज़ अ ब्लूम्ड जॉकी पी साई कुमार। तो बात करते हैं हम ऊटी का थर्ड रेस का, द लवडेल हैंडीकैप क्लास 5 1300 मीटर। सो ऊटी का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स क्वीन एनुला जॉकी है के वी भास्कर। और हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 5 नंबर हॉर्स आरोरा बोरलिस जॉकी है आर एन बाजी। ओके, और बात करते हैं अब अभी ऊटी का फोर्थ रेस का। ऊटी का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स एनजीओ जॉकी है शिवेश। और ऊटी का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स डेजिया जॉकी है पी साई कुमार। तो बात करते हैं अब ऊटी का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट विल बी अ 1 नंबर हॉर्स एंडोरा जॉकी है शिवेश। और ऊटी का फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 3 नंबर हॉर्स डॉटी वार्डर जॉकी पी अजित कुमार। तो बात करते हैं अब ऊटी का सिक्स्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स अमेजिंग अट्रैक्शन जॉकी शिवेश। और सेकेंड चॉइस है सिक्स्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस है ऊटी का डेट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स सूर्या कृषि जॉकी है पी विक्रम। तो ये रहा हमारा ऊटी का टिप्स एंड सिलेक्शंस और मुंबई का भी। तो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी मुंबई एंड ऊटी रेस डबल रेस है। पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में एक या दो गाड़ी जो आपको प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी बोथ रेस। तब तक के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।